अरुणाचल प्रदेश से है, ये कर्नाटका से हैं, मैम केरला से हैं, ये बिहार से हैं, ये हिमाचल प्रदेश से हैं। ऐसे थोड़ा चलता है जी। सर आपके सामने आके कॉन्शियस हो गए। अच्छा कोई बात नहीं। आप लोगों ने नेताजी के जीवन में बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया होगा, गहराई से किया होगा कि गूगल से किया होगा वो तो भगवान जाने, क्योंकि आजकल तो लोग गहराई से नहीं करते, गूगल से करते। जब यहाँ आया था पहली बार कभी फ्लाइट में ही नहीं चढ़ा था, तो घर से मम्मी तो पैनिक कर रही थी कि इतने ऊपर जाओगे क्या होगा नहीं होगा, पर मैंने जब कल फोटो भेजा, वो बादल वादल थे उसका फोटो भेजा, तुम क्या बादल के ऊपर थे कि नीचे थे? मैं 2015 से आपसे हर रोज नहीं मतलब बात कर चुकी हूँ मेरे सपने में, लेकिन मैं मानती हूँ कि सपने देखिए क्योंकि हकीकत में होते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे। I am very grateful that I meet such leaders like you who were patriotic as him. आप में से करीब 8-10 घंटे हो गए हैं आप लोगों को साथ में, ज्यादा से ज्यादा नाम कोई बता सकता है इनमें से? कौन बता सकता है? मैंने इतने लोगों को नाम और उनका स्टेट। अरुणाचल प्रदेश से है, ये कर्नाटका से हैं, मैम केरला से हैं, ये बिहार से हैं, ये हिमाचल प्रदेश से हैं, वो उड़ीसा से हैं। नमस्कार सर, मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आई हूँ पश्चिम बंगाल से, जिसके ऑनरेबल चांसलर आप हैं। तो आज सुबह भी बताया था आपने। जी सर, तो मेरा नाम सुप्रिया है, मेरे मित्र का नाम जो विश्व भारती से ही हैं उनका नाम सिद्धार्थ है, और इसे थोड़ा चलता है जी। सर आपके सामने आके कॉन्शियस हो गए। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए मैंने इसलिए कहा कभी कोशिश करनी चाहिए। कभी क्या करते हैं हम लोग, कोई मिलता है तो उसको बड़ा कैजुअल लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा जागृत मन से उसको मिलते हैं, अटेंटिव होते हैं, तो आपको वो रजिस्टर हो जाता है। जैसे अभी मैं आते ही कहा, अच्छा भाई तुम मुझे दोबारा मिल गए। अच्छा अभी मैंने इस बेटी को कहा का तुमने वाइस चांसलर वाला तो उसमें भी मुझे बताया था, तो वहाँ तो मैं चलते चलते मिल रहा था आप लोगों को, लेकिन किसी से आधा सेकंड एक सेकंड बात हुआ, लेकिन मैंने अभी उसको फिर से दोहराया, सही व्यक्ति के सामने दोहराया, क्योंकि मैं उस समय भी ऐसे नमस्ते नहीं कर रहा था, भले 5 सेकंड था लेकिन आपसे जुड़ रहा था। कोशिश करनी चाहिए जिससे मिले उसकी बात याद रहे, चेहरा याद रहे, नाम याद रहे, धीरे धीरे आपका एक नया एप्टीट्यूड डेवलप होगा, और 5 साल के बाद भी कोई मिलता है, अच्छा आप वहाँ मिले तो वही एकदम उसको लगेगा अरे वाह ये मुझे इतना अपनापन से बात करते हैं। अच्छा नेताजी की वो कौन सी चीज है जो आप जीवन में लाना चाहेंगे? मैं नेताजी से संगठन क्षमता सीखनी चाहूंगी। मैं उनसे सीखना चाहूंगी कि पूरी दुनिया के मतलब नेताजी ने पूरी दुनिया के भारतीयों को एक साथ संगठित करके अंग्रेजों से लड़ाई की, वैसे ही मैं चाहूंगी कि हमारे देश के सभी लोग, केरला हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, जम्मू हो, कहीं पे भी हो, सभी एक साथ मिलजुल कर जो हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ हम लड़े। और एक और चीज़ सीखना चाहूंगी, सपना देखना। मैं 2015 से सपना देख रही हूँ, और मैं 2015 से आपसे हर रोज़ नहीं मतलब बात कर चुकी हूँ मेरे सपने में, लेकिन मैं मानती हूँ कि सपने देखिए क्योंकि हकीकत में होते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज आप जिस सेंट्रल हॉल में बैठे थे उसका कोई इतिहास पता है आपको, सेंट्रल हॉल क्या है? When I entered that hall, I got that goosebumps because that Constitution Assembly met in that hall. Being a law person from the law background, I had that opportunity to sit in that hall and see the whole surroundings, and it was a great experience for me, sir. आपको मालूम है आप जिस चेयर पे बैठे थे वहाँ देश के कोई न कोई महापुरुष बैठे थे जो संविधान बना के गए, उस जगह पे आज आप बैठे थे, फील कर रहे थे आप? जन्मदिन पहले भी आते थे सदन में, हम लोग जाते थे, फूल भी चढ़ाते थे, और जिस महापुरुष का जन्मदिन है उनकी अगर कोई ऑडियो अवेलेबल है तो सुनने का भी मौका मिलता था, लेकिन एक
पाँच पच्चीस लोग हम चले जाते थे। उसमें से विचार आया कि देश भर से हर महीने किसी न किसी जन्मदिन में देश भर से अगर नौजवानों को बुलाया गया। ये कल्पना, ये कार्यक्रम आपने सुना, फिर आप आए, आज मिले, क्या लगा आपको? सर, मेरा नाम परनीत है, मैं पंजाब से हूँ। सत श्री अकाल। मैं यहाँ पर आके पहली बार रियलाइज़ हुआ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है। आज तक उनको किताबों में पढ़ते थे, पर यहाँ आके पता लगा। जब हम स्टेयर्स पर चल रहे थे तब भी एक एक बार रियलाइज़ हो रहा था कि यहाँ कितने हमारे मिनिस्टर्स होंगे जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया होगा, हमारे लिए सब तैयार किया है, वो इस सीढ़ियों पर चढ़े होंगे। बहुत गर्व महसूस हो रहा था। यहाँ पे खड़कर आपके सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे, जहाँ से पूरे भारत का एक एक हिस्से में जो कुछ भी होता है उसका निर्माण, उसकी सोच जहाँ से पैदा होती है। दिस इज आयशत रुखसाना फ्रॉम तमिलनाडु, एंड इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू टू कम टू दिल्ली एंड मीट सच वंडरफुल पर्संस एंड टू पे होमेज टू सुभाष चंद्र बोस वाज समथिंग दैट इज वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज फ्रॉम हिम आई लर्न दैट we need to have the courage of patriotism within ourselves, and I feel that he was a true patriotic hero and I must be like him, and I'm very grateful that I meet such leaders like you who were patriotic as him. Thank you sir. Dekhiye mera aap sab naujawanon se zarur sujhav rahega ki aap yahan jahan bhi jaye bahut bariki se cheezon ko samajhne ka prayas kijiye, usko dekhne ka prayas kijiye, kuch note bhi banane ki aadat banaiye, bahut kuch hai। दूसरा, बहुत कुछ पढ़िए, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पढ़िए, लेकिन जब मौका मिले अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, और जितना ज़्यादा और विविधताओं से भरा खिलाड़ी का जीवन के विषय में पढ़ सकते हैं, कला जगत के लोगों को पढ़ सकते हैं, उससे जीवन के हर एक के जीवन में कैसी साधना रहती है, कैसे जीवन साधना के साथ तप करके बनता है, ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से आप जीवन में, और फिर हर एक को लगता है अच्छा उसने ऐसा, मैं भी कोशिश करूँगा, उसने ऐसा किया मैं भी कोशिश करूँगा, वो चीज़ें हैं जीवन में बहुत लाभ करती हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, बहुत बहुत धन्यवाद।